तो कॉलम वन में फर्स्ट है ए यूनियन ए तो ए यूनियन ए क्या होता है देखो अगर ये सेट मेरा ए है ये सेट ए है तो इसके साथ यूनियन करेंगे तो मेरा यही मिलेगा ए यूनियन ए मतलब यही मिलेगा ये वाला पूरा रीज़न मिलेगा और ये किसके इक्वल है ये ए के इक्वल है तो ए यूनियन ए मेरा ए के इक्वल हो जाएगा तो ये वाला किससे मैच करेगा मेरा यहाँ से मैच करेगा ए यूनियन एशू ए ठीक है नेक्स्ट है ए यूनियन यूनियन तो देखो अगर यहाँ पर एक छोटा सा वेन डायग्राम ला लूँ अपना ये यूनिवर्सल सेट है मेरा ये सेट ए है उसके अंदर ठीक है ये है। A, Union, A तो क्या है सेट ए है ये यूनिवर्सल है अब हमको पता ना ए यूनियन यूनिवर्सल अगर आप ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा पूरा यही आ रहेगा यूनिवर्सल ही आ जाएगा ए और यूनियन का दोनों का यूनियन निकालोग का और यूनियन का यूनियन यूनिवर्सल सेट का तो पूरा यूनिवर्सल तो ही आ रहेगा अपना तो यानी जो ए यूनियन यूनिवर्सल है उसकी वैल्यू क्या है अपनी ए यूनिवर्सल के इक्वल है अपने ठीक है नेक्स्ट ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बी यूनियन ए के होगा यहाँ से क्योंकि जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए ही होगा मेरा कैसे देखो ये मेरा बेंडाग्राम है यहाँ पर ये हो गया सेट ए ये बन गया सेट बी अपना ठीक है ये यूनिवर्सल सेट ए सेट बी तो ए यूनियन बी हो जाएगा इतना एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा येलो पार्ट ठीक है ये हो क्या हो गया अपना ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या होगा वो भी यही होगा बी यूनियन ए भी अपना यही होगा तो यानी ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए दोनों हमारे इक्वल ही है तो ये डी को मैच करेगा अपना ठीक है एंड लास्ट है ए इंटरसेक्शन सेक्शन फाइव फाइव क्या होता है अपना नल सेट होता है तो अगर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना होता है ठीक है कॉमन क्या आएगा ए सेट ए और फाइव सेट में यानी नल सेट और ए में कॉमन क्या आएगा अपना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो फाइव आएगा तो वो यानी सी के इक्वल हो जाएगा अपना फाइव के इक्वल ए इंटरसेक्शन फाइव रहेगा फाइव के इक्वल ठीक है तो मेरे फाइनल आंसर क्या आ गए फर्स्ट मैच हुआ है मेरा बी के साथ